नमस्कार दोस्तों, हनीस किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पानी पूरी, जो सभी को बहुत ही पसंद है। तो चलिए पानी पूरी बनाने की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बाजू वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पानी पूरी बनाने की रेसिपी। मिक्सी जार में हम 1 कप पुदीना ले लेंगे। थोड़ा सा धनिया पत्ता ले लेंगे। दो चम्मच रोस्टेड जीरा ले लेंगे। और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। 1 चम्मच ग्रीन चिली पेस्ट ले लेंगे। अगर आपके पास पेस्ट रेडी ना हो तो आप इसके बजाय ग्रीन चिली भी डाल सकते हो। और इन सारी चीजों को अच्छी तरह से पीस लेंगे। आप देख सकते हो हमारे पेस्ट रेडी हो चुका है। अब हम एक पतीली में 4 से 5 ग्लास ठंडा पानी ले लेंगे। उसके अंदर हमने जो मिक्सर रेडी किया है वो डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर काला नमक डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। काला नमक से इसका टेस्ट चटपटा आता है, इसी वजह से हम इसके अंदर काला नमक डाल देंगे। अब हम इसके अंदर 2 चम्मच चीनी डाल देंगे। 3 से 4 नींबू का रस ले लिया है वो डाल देंगे। अगर आपको इसके अंदर इमली का पल्प डालना हो तो आप उसे भी 1 चम्मच डाल सकते हो। और अब हम इसे फ्रिज में आधा घंटे के लिए ठंडा होने रख देंगे। अब मसाला बनाने के लिए हमने इधर 3 आलू को उबाल के स्मैश कर लिया है। अब हम इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और रेड चिली पाउडर डाल देंगे और इनको सब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम मसाले को सभी पूरी के अंदर स्टफ कर लेंगे। एक कटोरी ले लेंगे, उसके अंदर हमने जो पानी बनाया था उसे छन्नी से छान लेंगे और इसके अंदर बूंदी डाल देंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको डालनी है तो ही आप डाल सकते हो। और इसे पूरी के साथ सर्व करेंगे। तो दोस्तों बताइए, आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो जाते जाते लाइक बटन पे क्लिक जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।